हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए सोफा नंदिनी कवर लेके आई हूँ। आज मैंने मशीन नहीं रखी है क्योंकि ये सिंपल क्विल्टिंग का काम है और इसमें आज कोई चेन हुक लूप कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं लगनी है। तो ये मैंने अपने लिए बनाया तो मुझे आपके साथ शेयर करने में बहुत खुशी हो रही है। तो इसको बनाने के लिए बाज़ार में तो बहुत सारे तरीके मिल जाते हैं, लेकिन कुछ अलग हटके दिखने का शौक जो होता है हम महिलाओं का, उसके तहत मैं आपको ये बता रही हूँ। आप इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और क्विल्टिंग करना मैंने पहले वीडियो में बता ही दिया था। तो इसके लिए हमें मीटर में कपड़ा चाहिए। मीटर में जो कपड़ा हमारा है उसकी चौड़ाई 1 मीटर 10 सेंटीमीटर तक आती है। और इसके लिए जो मीटर में कपड़ा होगा तो सोफे का कवर बनाने के लिए हमें यहाँ से यहाँ तक पूरा ये पूरा इसका मीटर में लेना होगा, इसका मीटर में लेना होगा, और इस तरह से सिंगल सोफे का पूरा मीटर में लेना होगा। इस तरह से ये जो लंबाई है हमारी, इसको हमें मीटर में लेना है पूरा, जो बैक साइड है और जो सीट का है, यहाँ से ये मीटर में लेना है। तो हमारा पूरा सोफे का कपड़ा आ जाएगा। और इसमें मेरे पास कम से कम इसमें लगभग लग गया है 12-13 मीटर कपड़े से ज़्यादा लगा है। और मुझे याद इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने अपने शॉप के लिए लिया था तो उसमें से काफ़ी पीस बच गया था, तो मैंने नापा नहीं और डायरेक्ट इसको बनाने के बाद मुझे लगा कि आपके साथ इसे शेयर करना चाहिए। तो आप उसको पहले मीटर में ले लें, उसके बाद क्विल्ट करें। और क्विल्ट करने के बाद कैसे बनाना है, कैसे क्या नाप जो होगी उसकी, मैं ये आपको बता देती हूँ। ये देखिए, ये हमारा सोफे का बैक है। हमें सीट से नहीं मेजरमेंट लेना है, सीट से लेंगे तो नाप गड़बड़ हो सकती है। जो सोफे का बैक है उसी से हमको बनाना है, सीट का भी बनाना है, बैक का भी बनाना है। तो ये मेरा जो सोफ़ा है वो 3 सीटर है, जैसे कि आप देख रहे हैं 3 कोन निकले हुए हैं, तो 3 सीटर है प्लस इस तरह के दो सिंगल सोफ़े हैं। तो इसका मेजरमेंट कुछ इस तरह से है कि सोफ़े की मेरी पूरी लंबाई कॉर्नर टू कॉर्नर तो 65 थी, लेकिन क्विल्ट करने के बाद जब फिनिशिंग दी तो मैंने उसको 63 में कट कर दिया। बाकी जितना बचा हुआ पीस था क्विल्ट करने के बाद उसको मैंने 63 इंच में लिया और उसको 21 में डिवाइड कर दिया, इंच में 63 को 3 पार्ट में डिवाइड किया, 21 21 21, ये इंच में है। और इसकी जो चौड़ाई थी, जैसे कि मैंने बताया कि मीटर के कपड़े में जो अर्ज आता है उसकी जो चौड़ाई आती है वो 1 मीटर और 10 सेंटीमीटर के लगभग होती है। बहुत से कपड़े डबल अर्ज के होते हैं, तो आपको केवल इसमें जो इसकी जो लंबाई है वो सेंटीमीटर में अगर आप लेती हैं तो उसमें से आपका काफ़ी कपड़ा बचेगा। मीटर का कपड़ा पूरा ले लें और बढ़ा करके उसको क्विल्ट करना है। जैसे यहाँ मैंने 32 यहाँ पे इसकी जो ये जो बैक साइड से, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो हमने ये बैक में गया है, यहाँ से सॉरी, ये यहाँ से इसकी इस कॉर्नर तक की पूरी लंबाई जो है वो 32 इंच है। तो बाकी 10 इंच पीछे चला जाएगा और जितना भी ये कोन लेकर के सामने का हिस्सा आएगा वो इस तरह से आएगा। तो ये जो कोन बनाना है हमें, ये तो 32 लिया है, 32 में से इधर नीचे की तरफ से जो फ्रंट में रहेगा यहाँ से, ये 9 इंच यहाँ मैंने ऐड किया हुआ है, देखिए ये 9 इंच पे हम निशान लगाएंगे तीनों पीस पर। और फिर इसके बाद ये सेंटर निकाल के यहाँ से यहाँ इसके पूरे कोने बना देंगे। और उसके बाद जब पूरी क्विल्टिंग के बाद इतना आप निशान लगा लेंगी, फिर उसको कट कर देंगी तो ये शेप आ जाएगा। अब शेप आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें कर्व देती हैं कि यू शेप देती हैं या हल्का सा ओवल ओवल शेप देती हैं, जैसा भी आपको देना है उस तरह से निशान लगाने के बाद ही उसको फाइनली कट करें। और उसके बाद बॉर्डर लेस जो भी आपको लगाना है, पाइपिंग वगैरह उसको लगाएं। तो इस तरह के 2 पीस तैयार करें, सेम टू सेम, एक ही नाप के एक ही मेजरमेंट के 2 पीस तैयार करें, जो ये बड़े सोफे का होगा। और बड़े सोफे में एक ऊपर लग जाएगा और एक नीचे पूरा दब जाएगा। ऊपर वाला तो बाहर बाहर रहेगा, जो नीचे सेम उसी साइज का रहेगा तो वो पीछे यहाँ पे इस तरह
गद्दियों के नीचे दबाने के काम आएगा। और इस तरह से अब ये देखिए, आगे मैं आपको दिखाती हूँ अगला पीस। ये हमारा ये जो हाथ रखने वाला है, ये इसका मेजरमेंट, इसका मेजरमेंट हमारा रहेगा। ये भी क्विल्टेड पीस रहेगा। और ये मैं तैयार पीस का बता रही हूँ आपको, हमेशा एक दो इंच बढ़ा करके ही क्विल्ट करना है, और फिनिशिंग जब देना है तब ये नाप काटनी है। तो इसकी जो चौड़ाई है ये 18 इंच है, 18 इंच, और पूरी लंबाई 28 इंच है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारा पीस है, ये 18 इंच है और ये पूरा 28 इंच है। और इसको लंबा बनाने का इसलिए मैंने सोचा कि ये देखने में थोड़ा अच्छा दिखे, तो इसको हमें इस तरह से लगाना है। और थोड़ा सा हिस्सा इसका ये सोफे के साथ दब जाएगा, और ये इतना पार्ट जब बाहर लटकेगा तो ये इधर लटकेगा, ये कोन इधर आएगा, ये कोन इधर आएगा, तो अपने आप में एक अच्छी लुकिंग आती है। तो ड्राइंग रूम की साज सज्जा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसके हमें 6 पीस चाहिए होंगे पूरे सोफों के लिए, पूरा सोफा सेट के लिए 6 पीस चाहिए होंगे। तो इसको तैयार कर लें। इसमें केवल पाइपिंग लगनी है, इसमें आपकी मर्जी है, अगर आप कोन काटना चाहें तो इधर से एक साइड से काट सकती हैं। अब हमारा सिंगल सोफे का ये पीस, इसका हमेशा जो 5 सीटर या 10 सीटर या 8 सीटर जो भी सोफे आजकल हर तरह के डिजाइनर सोफे चलते हैं, तो उनका जब सिंगल पीस होता है, सोफे का सिंगल पीस होता है, तो ये जो बैक साइड होता है ये इसके मेजरमेंट के हिसाब से, और ये जो हमारा बड़ा वाला सोफा है जिसमें 3 सीटर लगा हुआ है, इसके नाप के हिसाब से दोनों के नाप अलग हो जाती है। जैसे ये 65 आ रहा है तो इसको मैंने 21 इंच में इसको इसके पीस बनाए हैं, और जो इसका है ये 26 इंच का आ रहा है, तो 26 इंच को x3 कर देंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा, तो उसकी नाप अलग हो गई। तो ये मेरा जो मैंने सिंगल सोफे का बनाया है, तो इसीलिए हमेशा नाप के ही बनाना है। मैं अपने सोफे के हिसाब से आपको समझा रही हूँ ताकि आप अपने सोफे का जब तैयार करें तो अच्छे से तैयार हो सके। तो ये मेरा सिंगल सोफे का नाप है, मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए, ये इसकी जो चौड़ाई है, मैंने 26 इंच सोफे की ली थी, तो तैयार करने के बाद इसकी चौड़ाई जो है 24 इंच आई है, और लंबाई सेम टू सेम 32 इंच ही रहेगी, और फिर वही 9 इंच नीचे से जो फ्रंट में रहेगा, नीचे से निशान लगाते हुए बीच का सेंटर देते हुए इसको कट करके जो भी आप डिज़ाइन दे रही हैं उसको तैयार करना है। तो इस तरह से आप अपना सोफ़ा कवर खुद से तैयार कर सकती हैं। और इसके साथ ही एक प्रिंट इसके साथ ही थी मेरे पास, उसके साथ मैंने ये बनाया है इस तरह का, ये कुशन कवर। कुशन कवर की साइज वही 16x16 रहेगी। पीछे से सिंपल कपड़ा लगाना है, जिप लगानी है, और आपके ऊपर है जिप लगाना चाहें या फ्लैप वाला देना चाहें, इस तरह से बना सकते हैं। तो ये इस तरह के 5-6 ये मैंने तैयार कर लिए हैं। कुशन कवर बनाना मैंने पहले ही बता दिया था आपको। तो ये था आज का हमारा सोफा कवर का वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नंदिनी फिर आपसे कुछ नया लेकर के मिलेगी। नमस्कार।